जोहार झारखंड। मैं प्रताप कुमार झा, PGT टीचर, +2 शर्मा। आज मैं आपको सातवाहनों की प्रशासनिक ढांचा के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा एवं झारखंड एकेडमी के द्वारा ली जाने वाली 12 इंटरमीडिएट की परीक्षा में हिस्ट्री ऑप्शनल वाले और मैट्रिक के विद्यार्थी जो हिस्ट्री पेपर जो SST में आता है उसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, जो उन्हें प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ जानकारी में भी वृद्धि करेंगी। 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत योजना करेंट अफेयर में चलाया गया मई महीना में। बिहार में 85% लोग कृषि पर आधारित हैं। सात वाहनों का प्रशासनिक ढांचा। राजा धर्म का संरक्षक होता था, उसमें तुच्छ देवी दोनों का होना माना जाता था। बल और पराक्रम में राजा पौराणिक पुरुषों से तुलना की जाती थी। सातवाहन के समय में जिला तो अशोक के ताल की तरह ही आहार तहते थे। उनके अधिकारी मोर ताल की तरह ही अमात्य और महामात्य कहलाते थे। सेनापति तो प्रांत का शासनाध्यक्ष या गवर्नर बनाया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम दौलमित तो सौंपा जाता था। दौलमित एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। दौलमित तो ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। सातवाहन शासन का सैनिक चरित्र उसके अभिलेख में तटत और स्थानभ्रंश शब्दों के आम प्रयोग से स्पष्ट होता है कि वे सैनिक शिविर और बस्तियां होते थे। सातवाहन शासन में दमन नीति का प्रमुख स्थान था। सात वाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को तर मुत ग्राम दान देने की प्रथा आरंभ की, जो आबाद भूमि और ग्राम दान में दिए जाते थे। उन्हें राजपुरुषों और सैनितों ते और हर कोटि ते राजतीय अधिकारियों ते हस्तक्षेप से मुत घोषित कर दिया जाता था। 15 मई 2020 तो आत्मनिर्भर भारत का तीसरा पैकेज घोषित किया गया। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़। आपूर्ति श्रृंखला को तो मजबूत किया जाएगा। मछली पालन के लिए 20 हज़ार करोड़। पशुपालन निर्यात के लिए 15 हज़ार करोड़। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया पैकेज में घोषित किया गया है। बौद्ध भिक्षु अपने निवास क्षेत्र में लोदो तो शांति और सदाचरण के नियमों तो पालन करने तथा राजसत्ता और सामाजिक व्यवस्था का आदर करने का उपदेश दिया करते थे। वर्ण व्यवस्था तो सुदृढ़ बनाने में ब्राह्मणों की मदद मिली और इससे समाज में स्थिरता आई। सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियाँ थी। पहली श्रेणी तो सामंत राजा कहलाता था, उसे सित्ता ढालने का अधिकार रहता था। द्वितीय श्रेणी का राजा सामंत जो था वह महाभोज कहलाता था और तृतीय श्रेणी का सामंत सेनापति कहलाता था। धर्म। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद के विजय अभियान का नेतृत्व किया। वे वैष्णव देवताओं के उपासक थे। यज्ञ अनुष्ठानों में ब्राह्मणों तो उन्होंने प्रचार दक्षिणा दी। सातवाहन शास्त्रों ने भिक्षुओं तो ग्राम दान देकर बौद्ध धर्म तो आगे बढ़ाया। बौद्ध धर्म ते महायान संप्रदाय का बोलबाला था शिल्पियों के बीच। आंध्र प्रदेश में नादार्जुन तोंड और अमरावती नदर सातवाहनों के शासन में और विशेषतर उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए।
महाराष्ट्र में पश्चिमी ढत्तन से नासिक और जुना क्षेत्र में भी व्यापारियों का संरक्षण पात्र बौद्ध धर्म फूला फला। सातवाहनों की वास्तुकला चट्टानों तो ताट ताट तर अनेत चैत्य और बिहार बनाए दे। यह प्रक्रिया 200 ईसा पूर्व के आसपास लगभग एक शताब्दी पहले ही आरंभ हो चुकी थी। चैत्य बौद्धों ते मंदिर ताम तरता था और बिहार बिच्छू निवास था। चैत्य अनेता अनेत पायों पर थरा बड़ा हॉल जैसा होता था और बिहार में एक केंद्रीय शाला होती थी जिसमें सामने ते बरामदे की ओर एक द्वार रहता था। सबसे मशहूर चैत पश्चिमी ढत्तन में तार लेता है। यह लगभग 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। यह विशाल शिला वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है। बिहार चैत्यों के पास बनाए दे उनका उपयोग वर्षा ताल में बिच्छुओं के निवास के लिए होता था। नासिक में 3 बिहार हैं। वे ईसा ते पहली दूसरी शताब्दी होते हैं। शिला ठंडीय वास्तुतला आंध्र में कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में भी पाई जाती है। यह क्षेत्र वस्तुतः स्वतंत्र बौद्ध संरचनाओं के लिए मशहूर है। ये संरचनाएं अधिकतर स्तूप के रूप में हैं। इनमें अमरावती और नागार्जुन तोंड के स्तूप सबसे अधिक मशहूर हैं। स्तूप दोल स्तंभदार ढांचा है जो बुद्ध के किसी अवशेष के ऊपर थरा दिया जाता है। अमरावती स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। अमरावती के स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से भ्रंश हुआ है। नागार्जुन तोंड सातवाहनों के उत्तराधिकारी इच्छातुओं ते ताल में अपने उत्तर्षति चोटी पर था। यहाँ केवल बौद्ध स्मारक ही नहीं बल्कि सबसे पुराने ईट ते बने हिंदू मंदिर भी हैं। अपने स्तूपों और महाचैत्यों से अलंकृत यह स्थान ईसा की आरंभिक सदियों में मूर्ति तला में सबसे ऊंचा प्रतीत होता है। भाषा सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सभी अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। प्राकृत ग्रंथ दाथा सतसई या दाथा सप्तसती हाल नामक सातवाहन राजा की रचना बताई जाती है। इसमें 700 श्लोक हैं जो सभी प्राकृत में हैं। इसका अंतिम परिमार्जन ईसा की 6वीं सदी के बाद किया गया। 165 से 194 ईस्वी सातवाहन राजवंश के अंतिम महान नरेश यदश्री सात तरणी की तिथि है। सातवाहन राज का अंत 220 ईस्वी में हो गई। तो आज तक यह वीडियो हिस्ट्री वन लाइनर पार्ट 18 यहीं तक। धन्यवाद।